शुरू करते हैं। अपने थे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, वही चैप्टर वन ऑफ अकाउंटिंग, द वेटेज ऑफ द चैप्टर इज 5 to 10 मार्क्स, ठीक है। तो 5 to 10 है, लेकिन 10 नंबर का यहाँ से रहता ही है। ट्रू फॉल्स में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई विल डू कि अपने इस क्लास के बाद, आई मीन नॉट आज के क्लास के बाद, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद, आई विल शेयर द थ्योरी नोट्स विद यू। तो वो जो अपना थ्योरी नोट्स है अकाउंट्स का, वो एग्जॉस्टिव है, उसके बाहर कुछ ना आना, फाइन। अपने वो कर लेते हैं तो वो एकदम सर्वगुण संपन्न नोट्स हैं, थ्योरी अपना सारा वहाँ से टेक केयर हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो अपने आप में भी थ्योरी वाला चैप्टर है। ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा रहता है कि अपने को पहले तो बताना होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, और फिर उसका रीजन देना, सॉरी, तो उसका जो रीजन देना होता है वो एक ब्रीफ रीजन है ना, मे बी 1-2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम, वैसा करके अपने को बताना होता है कि वो ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। अपने बात कर रहे थे अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस में 6 स्टेप्स है, देख पा रहे हो तुम लोग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, देन एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, फाइन। तो द नंबर वन स्टेप इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि अपने को ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या हुआ? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो कभी भी अपने ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसका मतलब हुआ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, राइट। सो कल याद है किसी की बीवी छोड़ के चली गई थी, तो उसका जो दर्द था बीवी के जाने का, वो ट्रांजेक्शन नहीं है, राइट। ट्रांजेक्शन मतलब जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, या फिर नहीं, एंड जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है एंड फिनेंशियल पोजिशन में कोई चेंज आ रहा है, ये दो चीज़ होगा तो ट्रांजेक्शन होगा, नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब अपने रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं? तो अपने को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग कॉपी है, जैसे अपने है ना मैथ का अलग कॉपी, अकाउंट्स का अलग कॉपी, लॉइको का अलग कॉपी, वैसे ही जो अकाउंटेंट होता है उसके पास अलग अलग कॉपीज होती है रिकॉर्ड करने की। टेक्निकली बात करें कंप्यूटर में तो अलग अलग पेजेज होते हैं जहाँ पे अपने रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या अलग अलग कॉपी होती है, क्या क्या बुक्स होते हैं? सो दे आर 8 different books ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको अपने क्यूमुलेटिवली जर्नल बोलते हैं। वो क्या है 8 books ऑफ जर्नल एंट्री? तो वो हो गया अपना कैश बुक, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, BRBPO जर्नल। कैश में सारा का सारा कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। अगर उस ट्रांजेक्शन में पैसा आया पैसा गया तो वो कैश बुक में आएगा, रेस्पेक्टिव कि वो कुछ भी हो। परचेज में क्या आएगा? परचेज में आएगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, राइट। तो गुड्स का परचेज होना चाहिए, गुड्स मतलब जिस चीज़ का अपने धंधा कर रहे हैं। अगर मानो कोई एसेट परचेज किया क्रेडिट पे तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। परचेज रिटर्न मतलब उधार में जो सामान खरीदा था, गुड्स सामान मतलब गुड्स, तो गुड्स को जो उधार में खरीदा था उसको वापस करें तो परचेज रिटर्न में जाएगा। अगर कैश में परचेज किया रिटर्न करेंगे तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में। सिमिलरली सेल्स में क्या था? अगर हम उधार में सामान बेच रहे, सामान मतलब गुड्स, तो वो सेल्स बुक में जाएगा। अगर अपने क्रेडिट में गुड्स बेचे वापस आ गया तो वो सेल रिटर्न में जाएगा। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। तो सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ये वाला टर्म शायद हमने कल यूज नहीं किया, यहाँ पे लिख लो सेल्स रिटर्न के नीचे है कि भाई इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक और परचेज रिटर्न को अपने रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते, ठीक है। ये इनका अलग अलग नाम है, एक इसका एक फॉर्मल नेम हो गया, एक निकनेम हो गया, वैसा कुछ समझो। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि हमने सामान जो बाहर गया था वो अंदर आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब सामान जो अंदर आया था वो बाहर जा रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड। देन फिर इसके बाद क्या बचा अपना? BRBP पर अलग डिस्कशन अपने बाद में कभी करेंगे, मतलब चैप्टर ही है पूरा अलग से। और जर्नल प्रॉपर, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर, तो सारा का सारा ट्रांजेक्शन तो इन साथ में कवर नहीं होता, वो जर्नल प्रॉपर में जाता है। ये अपना कल तक का डिस्कशन था। अब अपने आज जो बात करेंगे वो ये कि अपने जब गुड्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद अपना जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है? उसको क्लासीफाई करना, राइट। यू कैन सी नंबर 2 इज क्लासीफिकेशन। क्लासीफिकेशन का मतलब होता है लेजर पोस्टिंग। क्लासीफिकेशन का मतलब होता है लेजर पोस्टिंग। तो जब अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो जो अपनी टर्म यूज करते हैं वो है रिकॉर्डिंग। जब अपने लेजर में एंट्री को लिखते हैं तो जो अपने टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग।
तो कभी खाली पोस्टिंग भी हो तो इसका मतलब क्या हुआ, लेजर पोस्टिंग, ठीक है। ये जो खाली पोस्टिंग है, खाली रिकॉर्डिंग है, ये कभी कभी काम का होता है। कब होता है, रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन में क्या अपने को दिए रहते हैं कि मुनीम जी से ये गलती हो गई, इसको ठीक करना है, तो वहाँ पे कभी कभी दिया हो रहता है इसका पोस्टिंग नहीं हुआ, तो अपने को समझना है कि इसका लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, मतलब इसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ, वैसा करके। तो क्लासिफिकेशन अपने कहाँ पे करते हैं, क्लासिफिकेशन अपने करते हैं लेजर में। क्लासिफिकेशन करते हैं अपने लेजर में। क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि भाई एक ही आदमी से मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो वो अपनी बात कर रहे थे ना कि अपने एक बिजनेस कर रहे हैं, हमने डायरी में मेंटेन की, फिर अलग अलग कॉपी बनाई, फिर देखा कि भाई श्रवण के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे, तो हमने क्या किया, फिर श्रवण के नाम से एक अलग पेज बना दिया और उसमें श्रवण का सारा हिसाब किताब अपने रिकॉर्ड कर रहे थे। सो लेजर का मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पर एक ही बंदे का अपने सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, जिससे कि अपने को टोटल लेवल पे पता चल जाए। जैसे हमने महीने में बार बार हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अपने को देखना है कि भाई हमने पूरे मंथ में कितने का सामान बेच दिया। कैसे देखेंगे, तो अपने क्या करेंगे, अपने सेल्स लेजर में जाएंगे, तो वहाँ पे सेल्स अकाउंट होगा, फाइन। तो सेल्स अकाउंट के अंदर अपने को ये सारा मिल जाएगा। सो लेजर का मतलब क्या हुआ कि जो अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको अपने क्लासीफाई करें। एक छोटा सा सैंपल, जैसे मानो कि अपने एक एंट्री करते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, कितने रुपए का सामान खरीदा, है ना, मान लो 10,000 का सामान खरीदा, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। एक बार कैश बुक वगैरह में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, वो सब बाद में देखते हैं। इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। ठीक है, यही होता है। क्लास 11 का याद आ रहा होगा कि बचपन में ऐसा करते थे, राइट। हाँ, मेरी टाइम तो क्लास 9 में ही बुक कीपिंग था, तो बुक कीपिंग के अंदर ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद जो बैलेंस शीट बनाना होता है वो काम सारा बुक कीपिंग बोल के एक सब्जेक्ट होता था, उसमें किया था। 11 में वापस आया था, लेकिन 9-10 में भी था। अब लेजर का क्या होता है, परचेज अकाउंट होगा, ठीक है, और एक होगा कैश अकाउंट। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, परचेज क्यों होगा सर, ये तो एसेट है, गुड्स नहीं, कहाँ लिखा है एसेट है, गुड्स 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 है ना, एसेट नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, है ना, मैं मतलब अकाउंट्स में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा ना, मतलब तुम लोगों बाल नोचने का मन देखने लगेगा, अच्छा ऐसा भी होता है। अभी मेरे को ये बताओ कि परचेज अकाउंट के बगल में ना जो डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। अपने बचपन से कर रहे हैं ना, परचेज अकाउंट के बगल में डीआर लिखा हुआ है ना, डीआर का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेज अकाउंट के बगल में लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो टू करके ही लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने वो लैंड पढ़ा, अच्छा अच्छा नहीं, वो मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। व्हाट कम्स इन डेबिट, अच्छा नहीं मैं, अरे मैं गोल्डन रूल की बात नहीं कर रहा, है ना, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल की बात नहीं कर रहा कि परचेज डेबिट क्यों होगा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। परचेज डेबिट क्यों होगा, कैश क्रेडिट क्यों होगा, वो तो मैंने पूछा ही नहीं, राइट। मैं तो अभी ये बोल रहा हूँ कि डेबिट का मतलब क्या हुआ। अभी नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, फलाना अकाउंट, लिखना अकाउंट, रूल वूल, वो सब अपने करेंगे, है ना, शांति शांति।
अभी ये बताओ कि डेबिट का मतलब क्या और क्रेडिट का मतलब क्या, अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ बस। देखो भाई, दिल थाम के बैठो। डेबिट का मतलब होता है, डेबिट का मतलब होता है, नहीं, डेबिट का मतलब होता है टू राइट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट का मतलब होता है टू राइट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। तो अपने परचेज अकाउंट का लेफ्ट साइड में एंट्री करेगा, राइट, टू कैश। तो इसलिए अपने बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट का मतलब होता है टू राइट ऑन राइट साइड ऑफ द अकाउंट। तो कैश अकाउंट में अपने क्या लिखते हैं, बाई परचेजेज, राइट। इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया क्रेडिट। फाइन, तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि अगर अपने ना चीजों को अगर अपने चीजों को ना रूट लेवल से समझे, अपने सोचे कि ये क्यों हो रहा है, तो अपना लाइफ का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। अपने चीजों को बहुत जल्दी समझ पाएंगे। और जैसे मैथ वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई अपने को फॉर्मूला याद नहीं करना, वी कैन डेराइव, तो वैसे ही अकाउंट्स में जर्नल एंट्री वगैरह याद नहीं करना, अपने ट्रांजेक्शन को समझ के, राइट, ट्रांजेक्शन मतलब जो भी लेन देन हो रहा है उसको समझ के वी कैन थिंक ऑफ कि उसका क्या करना है। हाँ, अच्छा ऐसा हो प्रियंका। वन सेकंड, पता नहीं प्रियंका, मुझे वो दिखा नहीं। सो परचेज का, डेबिट का मतलब होता है टू राइट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, एंड क्रेडिट का मतलब होता है टू राइट ऑन राइट साइड ऑफ द अकाउंट। तो अपने जो करते हैं ना, डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, अपने यहाँ पे टू लिखते हैं, बाई लिखते हैं। क्लास 11-12 में अगर अपने टू नहीं लिखे, बाई नहीं लिखे, तो नंबर कट जाएगा। ये सब एब्सर्ड बातें भाई। आज के दिन अपना इंडिया में तो अभी भी क्या है ना, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम चल रहा है, क्योंकि एकेडमिक्स में जो भी टीचर लोग हैं वो लोग क्या है कि प्योरली एकेडमिक ही है, राइट। नॉर्मली जो भी लोग हैं ना वो लोग क्या है कि उनका एकेडमिक माइंडसेट है, प्रैक्टिकल माइंडसेट नहीं है। तो टू नहीं लिखेगा तो नंबर काट देगा, है ना, या ऊपर में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेगा तो नंबर काट लेंगे, वो सब कहानी चलते हैं। इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब वहाँ पे टू बाई लिखने का सिस्टम हट गया, अभी वहाँ पे टू बाई होता ही नहीं है, राइट। तो लेजर अकाउंट में भी अपने वहाँ पे टू बाई वगैरह कुछ नहीं लिखता, क्योंकि इम्प्लाइड है ना, या लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं तो डेबिट है, राइट में लिख रहे हैं तो क्रेडिट है, अभी अलग से टू बाई लिखने का क्या दरकार है भाई। तो डेबिट का मतलब होता है टू राइट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। क्रेडिट का मतलब होता टू राइट ऑन राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, यही होता है डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब। कोई बात नहीं ऋषिकम, ये दर्द जो है वो सबका है। यस यस मनीष, कैन अंडरस्टैंड। तो उपाय नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। क्लियर। सो अभी क्या हो रहा है कि हमने जर्नल एंट्री की, यू कैन सी हमने इसका लेजर पोस्टिंग कर दिया, है ना, मतलब हमने परचेज और कैश के ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। अब अपने क्या करते हैं, जैसे अपने पास परचेज अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है, तो अपने अपने पास ना बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। जैसे एक हो गया अपना कैश अकाउंट, तो इसमें बहुत सारा एंट्री है। देन फिर हो गया अपना परचेजेज अकाउंट, है ना, इसके अंदर बहुत सारी एंट्री है।
देन वी हैव गॉट सेल्स अकाउंट, राइट, फिर सेल्स अकाउंट में बहुत सारा एंट्री है, तो ऐसे करके अपना अलग अलग लेजर अकाउंट होते हैं। लेकिन यार प्रीति, स्कूल का टीचर से डिस्प्यूट करना बहुत रिस्की होता है ना, वो लोग के पास हर बार ये वाला वेपन रहता है कि भाई नंबर काट लेंगे या वो सारा चीज। ऐसा मत बोलो, टीचर को रिस्पेक्ट करो। चलो, ये टीचर का रिस्पेक्ट वाला टॉपिक पे ना कभी अलग से बात करेंगे। हाँ, डेफिनेटली बात करेंगे। कैश परचेज सेल्स, फाइन, ये क्या हो गया, ये अलग अलग लेजर अकाउंट हो गया। अब अपने को क्या करना है, मेरे को नटशेल में एक जगह पे देखना है कि परचेज का क्या बैलेंस है, सेल्स का क्या बैलेंस है, कैश का क्या बैलेंस है, राइट। मतलब अपने को मंथ एंड पे ये जानना है कि भाई अपने पास कितना पैसा है, हमने कितने का सामान बेचा, हमने कितने का सामान खरीदा, ये सारी चीज़। तो हम क्या करेंगे, इन सबका अकाउंट बैलेंस को एक जगह लिखेंगे। तो कैश क्या होगा, कैश अकाउंट के अंदर जो भी पैसा आता है वो यहाँ रिकॉर्ड होता है, राइट। कैश इनफ्लो यहाँ रिकॉर्ड होता है और कैश का जो आउटफ्लो है वो यहाँ रिकॉर्ड होता है। कैश अकाउंट के अंदर जो कैश आता है वो लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जो कैश जाता है वो राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो अब तुम एक चीज़ सोचो, जो अपने एक एक नॉर्मल बंदा है ना, मानो कि जो पहली बार अकाउंट्स कर रहा है क्लास 11 में, या जो आर्ट्स या साइंस से अभी अकाउंट्स करने आ रहा है, तो उसको अपने बार बार बोलते हैं कि भाई अपने को कैश अकाउंट का डेबिट साइड में इन करना है, क्रेडिट साइड में आउट करना है, डेबिट में इन करना है, क्रेडिट में आउट करना है। तो एट टाइम्स यार थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन फील होता होगा ना, डेबिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है। और अपने सीधा बोले यार लेफ्ट साइड में जो पैसा आएगा वो राइट साइड में जो गया वो, तो थोड़ा सा सिंपल नहीं लगता, है ना। माइंड की एक लेमेन भी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा वैसा टाइप का। तो अगर मेरा कैश अकाउंट है तो हमेशा कैश अकाउंट में जितना मेरा इनफ्लो होगा आउटफ्लो उससे कम होगा या सेम होगा। इट कैन नॉट बी कि मेरे पॉकेट में 100 रुपया है और मैं 200 खर्च कर दूँ, ये तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्या तो मेरे को किसी से 200 रुपया उधार लेना होगा फिर मैं खर्च करूँगा। तो कैश अकाउंट के केस में हमेशा, राइट, कैश अकाउंट के केस में, मैं यहाँ बैंक की बात नहीं कर रहा, कैश की बात कर रहा हूँ, कि हमेशा मेरा जो आउटफ्लो है ना वो इनफ्लो से कम रहेगा या वर्स्ट केस सिनेरियो में दोनों सेम हो सकता है। तो क्योंकि मेरा इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा होता है, राइट, तो मेरा डिफरेंस जो है वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। इट्स लाइक बैलेंसिंग, राइट। तो अपने क्या बोलते हैं, वी बैलेंस द लेजर। सो बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मानो कि अपने पास वो तराजू होता है ना, राइट, तो अपने लेट्स से अभी आम का सीजन, अपने आम खरीदने जाते हैं, तो होता क्या है कि मानो हमने 5 किलो आम खरीदा, तो एक तरफ 5 kg का वो वेट रहता है, एक तरफ आम रहता है, तो वो आम थोड़ा सा कम रहता है, तो उसमें वो डालते हैं जिससे कि वो बैलेंस हो जाए, फाइन। सो वैसे ही अपने लेजर को बैलेंस करते हैं। अभी क्या है कि मेरा कैश अकाउंट का जो लेफ्ट साइड है वो भारी है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इनफ्लो है, जो राइट साइड है वो हल्का है क्योंकि वहाँ पे मेरा आउटफ्लो थोड़ा सा कम है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल फाइंड आउट द डिफरेंस दोनों का, कि इनफ्लो आउटफ्लो का क्या डिफरेंस है, और जहाँ पे कम है वहाँ पे मैं उसको लिख दूंगा, फाइन। तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अपने बोलते हैं बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन जो कि अपने को होता है, एटलीस्ट मतलब मेरे को तो इनिशियल डेज में डेफिनेटली होता था, वो क्या होता था कि अपने यहाँ पे इसको लिखे, यहाँ पे का लिखने का मतलब क्या हुआ कि कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, है ना, ध्यान से सुनना, इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसको अपने क्या लिखते हैं, फिर अपने इसको बोलते हैं कि दिस इज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो वापस, है ना, जिंदगी में तकलीफ क्या है, मतलब लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो ये भी एक लाइफ का प्रॉब्लम है कि अपने लिखते तो क्रेडिट साइड में और बोलते हैं इसको डेबिट बैलेंस। तो अब अपने को अपना माइंड को वैसे बोलना पड़ता है, देख भाई, है ना, माइंड भी अपना भाई है, तो अपने उसको वैसे समझाते हैं कि देख भाई
अगर क्रेडिट साइड में लिखा होगा तो अपने उल्टा याद करेंगे वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में लिखा होगा तो अपने उल्टा याद करेंगे वो क्रेडिट बैलेंस है। मतलब उल जुलून काम अपने को करना पड़ता है। अगेन वापस से US में अभी क्या होता है कि अगर कैश अकाउंट का तुम्हारा ये वाला साइड भारी है, मतलब अगर डेबिट साइड या लेफ्ट साइड में ज़्यादा अमाउंट है, क्रेडिट साइड में कम है, मतलब वो डेबिट बैलेंस है, तो वो यहाँ नहीं लिखते, वो यहीं पे लिखते हैं, जैसे कि अपने को अलग से कुछ अपना भाई को समझाना नहीं पड़े। डेबिट साइड में लिखा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस, राइट। अपना डेबिट में लिखा है तो डेबिट, क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट, इट्स ऑल द सेम। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अपने को आज के दिन, है ना, अपने तो इंडिया का बात करेंगे, अपने अपने भारतवासी है, वो था ना, मैं भारत का वासी हूँ, मैं भारत की बात बताता हूँ, तो वैसे ही यार अपने को तो अपना देश का बात करना होगा। तो अपने यहाँ पे क्या है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो जो कम है वहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन बोलते हैं डेबिट बैलेंस, राइट। सो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल से ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपने दो चीज़ और लिखते हैं। हाँ यार, हम लोग थोड़े से दबंग टाइप के लोग हैं ना, लेकिन ठीक है, अपने को भी चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे, विल चेंज। सो डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ टोटल ऑफ डेबिट साइड ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। एंड क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड। सो अभी वाई आई नो दिस मच अबाउट US थिंग, मतलब US में क्या होता है नहीं होता है, वहाँ पे भी क्या प्रैक्टिस है, क्योंकि आई टेक क्लासेस फॉर US ग्रेजुएट्स, है ना, मतलब वहाँ के जो कॉलेज के बच्चे बच्चे उनको मैं बीच बीच में पढ़ाता रहता हूँ, तो मेरे को बहुत अपीलिंग लगता है वहाँ का सिस्टम। वहाँ क्लास 11 12 के जो भी बच्चे होते हैं वो भी MS Excel में अकाउंटिंग करते हैं, है ना, वो कॉपी में बैठ के अकाउंटिंग नहीं करते, क्योंकि अकाउंट्स में मेरे को एक और पर्सनली बहुत बड़ा तकलीफ है कि गलती से ना एक सम आ जाए जिसमें कि जर्नल्स लेजर ट्रायल बनाने वैसा टाइप का, तो अपना आधा जीवन तो वो लाइन ड्रॉ करने में और टू बाई लिखने में और टोटल करने में ही चला जाता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, है ना। दोज थिंग्स तो सॉफ्टवेयर कैन टेक केयर, अपने को तो बस वहाँ पे अगर लैपटॉप पे करते हैं तो चीज़ों को बस वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना रहता है ना, तो वो सारा टाइम अपना बच सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है US में कि जैसे नॉर्मली अपने जो भी अकाउंट लिख के करते हैं वहाँ पे क्या होता है दे उन चीज़ों को वो ऑनलाइन करते हैं, दे डू इट ऑन वेब, तो वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह सब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में सब पहले से कंफिगर्ड रहते हैं या फिर वेबसाइट पे रहते हैं। ई बुक्स वहाँ पे जो रहती है, तो ई बुक का मतलब वैसा नहीं होता कि PDF है, वो एक्चुअली सम्स वहाँ पे कंफिगर्ड रहते हैं और अपने वहाँ पे अपने को बॉक्सेस के अंदर टाइप करना रहता है, मतलब पहले से यू गॉट की अकाउंट का नाम वाम क्या है तुम सेलेक्ट कर लो और बगल में नंबर लिख लो, तो वी कैन फोकस मोर ऑन दी कॉन्सेप्ट पार्ट, है ना। तो यहाँ पे तो क्या होता है फॉर्मेट के ऊपर ही पूरा, मतलब अपने को लाइन ड्रॉ करना है तो वो पेंसिल से नहीं होना, वो पेन से नहीं होना चाहिए, पेंसिल से होना चाहिए, तो वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो ऊपर में डेबिट लिखना है उधर क्रेडिट लिखना है, ये सब झमेला अपना लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो फोकस थोड़ा सा ना अपना वैसा हो जाता है। हाँ, मतलब उनका उनका जो अप्रोच रहता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहता है। हाँ, पेपर ऑफकोर्स बचाते हैं, राइट, लेकिन दैट इज नॉट द इंटेंट, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया अपना डेबिट बैलेंस और ये हो गया अपना क्रेडिट बैलेंस, फाइन, कि ये होता क्या ये ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या होता है, अपने क्या करते हैं, वी हैव गॉट दिस कि कैश का ये बैलेंस है, सेल का ये बैलेंस है, परचेज का ये बैलेंस है ना,
इसके बाद व्हाट वी डू कि अपने ना एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी क्या होता है, वी हैव गॉट टू कॉलम्स, एक्चुअली थ्री कॉलम। तो एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट और एक हो गया अपना अकाउंट्स। अब तुम बोलोगे यहाँ पे एक और कॉलम होता है एलएफ का, तो दिस एलएफ कॉलम इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी, लेकिन चलो ठीक है एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे फिर अगर अपना बैलेंसेस कुछ ऐसा हो रहा है कि कैपिटल हो गया, सेल्स हो गया, है ना, परचेजेज हो गया, देन वी हैव गॉट कैश, फिर बैंक हो गया, मानो कुछ एसेट्स है, कुछ एक्सपेंसेस, ऐसा करके अपना एक ट्रायल बैलेंस बन गया। सो अपनी जो ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, राइट, अपनी जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, बेसिकली अपने क्या कर रहे हैं कि जो अपना लेजर अकाउंट था एलएफ नहीं बनाया तो पूरा सम रॉन्ग कर देगी, घोर अत्याचार, मुश्किल है यार। देखो ऐसा है कि अपने क्या करते हैं, लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है ना उसको अपने ट्रायल बैलेंस में नोट कर लेते हैं। क्यों नोट करते हैं, क्योंकि अपने को जो समरी व्यू चाहिए होता है ना, बर्ड्स आई व्यू चाहिए होता है, वो अपने को यहाँ से मिलता है। दिस इज सेम लाइक कि अगर अपने को अपने देखते हैं कि भाई इंडिया में जो कोविड का केसेस है वो डेली 45,000 चल रहा है ना, सो वी आर मोर इंटरेस्टेड कि टोटल में इंडिया लेवल पे कितना है, 45,000। अब अपने को देखना है स्टेट लेवल पे क्या है, तो अपने देखते हैं भाई महाराष्ट्र का इतना है, गुजरात का इतना है, दिल्ली का इतना है, बंगाल का इतना है, वैसा करके अपने देखते हैं। फिर अपने को और डिटेल में जाना है तो अपने स्टेट का डेटा फिर देखते हैं कि भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितना है। तो सेम थिंग, अगर अपने को देखना है कि भाई टोटल लेवल पे अपना अकाउंट में क्या बैलेंस है, वी कैन सी फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। अब अपने को डिटेल में जाना है, लेजर देख लो, और डिटेल में जाना है, जर्नल देख लो, राइट। तो कोई भी जो तुम्हारा अकाउंटेंट होता है या कंट्रोलर होता है, फाइन, मतलब जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनका हमेशा जो कंट्रोल है वो ट्रायल बैलेंस पे ही रहता है। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं। अच्छा, इन गुड सॉफ्टवेयर लाइक SAP, इसमें होता क्या है, जैसे परचेज का बैलेंस 10 करोड़ है, तो अपने परचेज में क्लिक करेंगे तो परचेज का डिटेल आ जाएगा, फिर उसमें कोई चीज़ पे क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। तो वो बैकेंड इंटीग्रेटेड रहता है ना, कि अपने क्लिक कर कर करके वहाँ पे पीछे का पूरा डिटेल देख सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस जैसे ही अपना बन गया ना, तो मेन जो काम होता है, देखो जो तुम्हारा एक फिनांस कंट्रोलर होता है, याद है ना हमने परसों बात की थी, फिनांस कंट्रोलर क्या है, अकाउंट्स का मेन बंदा जिसके पास पूरा अकाउंट्स का कंट्रोल है। तो फिनांस कंट्रोलर हमेशा ना अपना जो कंट्रोल है वो ट्रायल बैलेंस पे रखता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद की जो चीज़ें हैं वो क्या है, PL और बैलेंस शीट। आज के दिन अपने को लगता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बैलेंस शीट PL अपने बनाते हैं तो अपना उसका कुछ नेट इनकम आता है, अपना आंसर बचता है, अपने खुश होते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपना दोनों टोटल मिल जाता है तो अपने बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फाइन, वैसा वाला फीलिंग अपने को आता है। लेकिन ये सारा काम तो सॉफ्टवेयर कर देता है, तो अपना कोई काम ही नहीं है। अगर अपना ट्रायल बैलेंस रेडी है, तो मैंने दिखाया था ना एक्सेल शीट वगैरह, तो सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल जो क्या करता है, ट्रायल बैलेंस ही PL बैलेंस शीट अपने आप बना के दे देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है तो उसका तो मैच करेगा, फाइन, मतलब वहाँ पर कोई कंप्यूटेशन एरर वगैरह नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। तो अभी अपने बीइंग अ फाइनेंस कंट्रोलर अपने को कंट्रोल रखना है ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद वाला जो काम है वो मोर ऑफ एनालिसिस है, राइट। मतलब वहाँ पे कोई बनाने में कोई वहाँ पे आर्ट नहीं है, दो अपने सिलेबस में भी फाइनल अकाउंट है तो मेक PL बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, लेकिन बनाने से ज़्यादा उसको रीड करना आना चाहिए, कि अपने को कोई PL बैलेंस शीट दे दिया तो अपने उसको रीड करके बता पाए कि हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग। तो ट्रायल बैलेंस के बाद वाला जो काम होता है
ये तो हो गया अपना ट्रायल बैलेंस का काम। इसके बाद वाला जो काम होता है वो जस्ट क्या है कि अपने को ट्रायल बैलेंस से अकाउंट्स को पिक करके उसको दो अलग अलग जगह क्लासीफाई करना है, राइट। कुछ चले जाएंगे पीएल में और कुछ चले जाएंगे बैलेंस शीट में। तो जितने भी इनकम एक्सपेंस वाले आइटम होते हैं वो पीएल में चल जाते हैं, जो भी एसेट लायबिलिटी वाले आइटम होते हैं वो बैलेंस शीट में चल जाते हैं। सो यहाँ पे फिर अपना दो फॉर्मेट आ जाते हैं, एक आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हो जाता है अपना बैलेंस शीट। अब अगर तुम लोगों ने क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट को अलग बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग बनाया है, तो अगेन दीज थिंग्स आर नॉट रेलिवेंट। मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट आजकल बनता ही नहीं है, सीधा P&L बनता है। लेकिन ठीक है, एकेडमिकली बात करें तो अपने ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट बनाएंगे, पहले ट्रेडिंग रहेगा फिर PL रहेगा। बट अगर अपने कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो यू वॉन्ट फाइंड ट्रेडिंग अकाउंट देयर, अपने को सीधा PL अकाउंट रहता है और उसके बाद बैलेंस शीट रहता है। सो PL के अंदर क्या आता है, PL के अंदर भी रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंस, बैलेंस शीट के अंदर भी रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो PL के अंदर क्या होता है, वी रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑन द लेफ्ट साइड एंड इनकम ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर अपने बात करें तो सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, ये तीन अपना PL का आइटम हो गया। एक बार मैं ट्रेडिंग PL को भी अलग अलग नहीं कर रहा सेल्स, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, देन परचेजेस, देन एक्सपेंसेस, और ये फाइनली अपना यहाँ पे जो डिफरेंस है अपना इनकम माइनस एक्सपेंस, आई मीन रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, वो हो गया अपना इसको काम ये अपना हो गया प्रॉफिट, जिसको अपने प्रॉफिट बोलते हैं। और ये प्रॉफिट अपना यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे पहले से ही वी हैव गॉट कैपिटल, पर यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, है ना। तो ये आने के बाद अपना कैपिटल का नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि हमने कुछ कमा लिया, ये प्रॉफिट इधर आते हैं। इसके बाद फिर वी हैव गॉट क्या, कैश, बैंक और एसेट। तो यहाँ पे एसेट्स आ गया, यहाँ पे बैंक आ गया और यहाँ पे कैश आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ अपना बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। जीपी निकल सकते हैं ना, जीपी इज लाइक कि अपना जो तुम्हारा रेवेन्यू है, कोर रेवेन्यू है, उसमें से अगर अपने डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा जीपी। जीपी मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। तो अगर अपना टोटल जो रेवेन्यू है, डायरेक्ट रेवेन्यू है, उससे अपने डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो विल गेट इट। बैलेंस शीट जो है उसका ये हो गया एसेट साइड, ये हो गया लायबिलिटी साइड। तो जनरली अपने इसको बोलते हैं लायबिलिटी और इसको बोलते हैं एसेट, लेकिन समझने के हिसाब से हैंस फोर्ड तुम लोग कभी भी बैलेंस शीट को देखो तो इस वाले साइड को ऐसा समझना कि ये है सोर्सेस ऑफ फंड और ये वाला साइड होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब हुआ कि अपने पास पैसा कहाँ से आया, एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब हुआ कि उस पैसे को हमने कहाँ पे लगाया। या टू थिंग्स, एक हो गया सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आ रहा है, और एक हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड कि हमने पैसा कहाँ से लगाया। तो कभी भी अपने बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड को देखेंगे तो अपने को क्या दिखाई देगा कि ये जो बंदा बिजनेस कर रहा है इसके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो अपने देखेंगे कैपिटल है, कैपिटल मतलब उसने खुद का पैसा लगाया है। अगर अपने को वहाँ पे दिखता है लोन, मतलब इसने बाजार से पैसा लिया है, राइट। सो अगर कोई बैलेंस शीट है, देयर इज सम बैलेंस शीट, उसमें अपने को दिखता है कि कैपिटल 10 है और यहाँ पे लोन है 100, फाइन। सो जनरली स्पीकिंग ये देख के तुम्हारे मन में क्या फीलिंग आएगा, अगर अपने को, और यहाँ पे अपने मानो कि
लिख देते हैं एसेट्स 110, है ना। इफ दिस इज वन बैलेंस शीट जहाँ पे कैपिटल 10 है, लोन 100 है, एसेट साइड में 110 है, तो इसको देख के तुम्हारे मन में क्या फीलिंग आएगा सोचो एक बार। बिजनेस कर्ज में डूबेगा, सही है। लोन में डूबा है, लोन बिजनेस का डेट ज्यादा है ना। तो ये चीजें समझ में आ रही है अपने को कि भाई वो बंदा 10 रुपया अपने घर से लगाया है, फाइन, और 100 रुपया वो बाजार से लिए, सोर्सेज ज्यादा है बट अप्लाई नहीं कर रहा उसको बिजनेस में। नहीं नहीं अप्लाई तो किया है ना, देख उसने 110 रुपया बाजार से लिया, आई मीन 100 बाजार से लिया, 10 खुद से लगाया और 110 को अप्लाई तो किया है, उसके पास एसेट्स हैं 110 के। तो इसमें मेन बात जो अपने को समझ में आ रहा है वो कि उसका 10 रुपया खुद का है और 100 रुपया बाजार का है ना, बोरोड फंड उसका ज़्यादा है, राइट ज्यादा। तो इसमें हो क्या रहा है कि अपना जो ओन फंड है, राइट, इसको अपने बोलते हैं ओन फंड, है ना, और ये हो गया अपना बोरिंग्स, बाहर का पैसा। तो यहाँ पे ये जो बाहर का पैसा है इसको अपने डेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेट मतलब क्या हुआ, बाहर वाले का पैसा। ये जो ओन फंड है इसको अपने इक्विटी भी बोल सकते हैं, इक्विटी मतलब क्या हुआ, खुद का पैसा, ठीक है। इक्विटी का मतलब हुआ अपना पैसा, और डेट का मतलब हुआ दुनिया का पैसा, है ना, दुनिया का पैसा या बाहर वाले का पैसा, बाहर वाले का पैसा, है ना। ये हो गया अपना डेट। तो अपने को कभी भी ये देखना है किसी भी बिजनेस में कि उसके बाहर वाले का पैसा और खुद का पैसा का क्या रेशियो है, तो उसको अपने बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो तुम लोग को याद होगा, तुमने कभी देखा होगा डेट इक्विटी रेशियो, तो अपने बोलेंगे इस बंदे का डेट इक्विटी रेशियो क्या है, 100:10 और 10:1, इस बंदे का डेट इक्विटी रेशियो है 10:1। तो तुम लोग थोड़ा सा याद करो कि रेशियो एनालिसिस करके कोई चैप्टर होता था, वहाँ पे अपने बोलते थे कि डेट इक्विटी रेशियो ऑफ मोर देन 2:1 इज नॉट डिजायरेबल, डेट इक्विटी रेशियो जो है अपना 2:1 तक ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है कि भाई अपने जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा बाहर का पैसा नहीं होना चाहिए। यू कैन टेक लोन, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन है ना अति सर्वते वर्जिते, मतलब हर चीज़ का अति खराब होता है, तो अपने को बहुत ज़्यादा लोन अपने को नहीं लेना चाहिए। तो दिस इज वाई कि अपने डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, ये देखने के लिए कि जो बंदा काम कर रहा है उसका घर का कितना पैसा है और बाहर का कितना पैसा है। आया समझ में? सो ये वाला जो अपने काम कर रहे हैं ना, इसको अपने बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो अकाउंटिंग प्रोसेस का 4th and 5th स्टेप है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि डेट इक्विटी रेशियो निकालना और इज 2:1, और इंटरप्रिटेशन मतलब हो गया उसको समझना कि उसका मतलब क्या हुआ, राइट। सो आई होप तुमको एक ब्रॉडर पिक्चर समझ में आ रही कि पहले हमने चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड अलग अलग जगह क्यों करते हैं, जिससे कि क्लैरिटी रहे, फिर अपने उसको पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग क्यों करते हैं, जिससे अपने को एक तरह के ट्रांजेक्शन एक जगह मिल जाए, एक अकाउंट की जितने भी ट्रांजेक्शन है वो एक जगह मिल जाए। फिर अपने क्या करते हैं, वी मेक अ ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, समराइजेशन। तो ट्रायल बैलेंस से ही पी एल बैलेंस शीट बन जाते हैं, वहाँ पे कोई हाथी घोड़ा काम नहीं है, एडजस्ट के अपने ट्रायल बैलेंस के आइटम को क्लासीफाई कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे सामने जब बैलेंस शीट रहता है तो हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बंदा जो काम कर रहा है कैसा काम कर रहा है ना, तो उसको अपने बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। किंग फिशर का याद आ गया, अच्छा बढ़िया यार, द बियर की याद भी आ रही है।
ये हो गए अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स। फाइनली जब अपना बैलेंस शीट बन के तैयार है ना, फाइनली जब अपना बैलेंस शीट बन के तैयार है तो अपने क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट हैंड ओवर कर देते हैं। अपने क्या बैलेंस शीट हैंड ओवर कर देते हैं, किसको हैंड ओवर करते हैं भाई, अपने तो फिनांस कंट्रोलर है ना, अपने क्या करेंगे, अपने जो अपना CFO है उसको देंगे। CFO किसको देगा, CEO को देगा। CEO किसको देगा, वो MD चेयरमैन को बैलेंस शीट दे देगा। फिर अपने पब्लिकली बैलेंस शीट पब्लिश करेंगे तो बाजार में जितने भी लोग हैं जो अपने शेयर होल्डर्स हैं राइट, उनको बैलेंस शीट वगैरह मिलेगी, जो अपने क्रेडिटर्स हैं उनको मिलेगा, गवर्नमेंट के पास अपने को रिटर्न फाइल करना होता है, तो जितने भी जन हैं जो कि अपने काम से जुड़े हुए हैं उनको हम अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दे देंगे। सो अपने को ये वाला बात तो समझ में आता है, वी आर कंफर्टेबल बट रिकॉर्डिंग पोस्टिंग वजह क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, क्योंकि ये काम अभी तक अपने करते आ रहे थे, जर्नल एंट्री लेजर और फाइनल अकाउंट। एनालिसिस वाला काम भी तुम लोगों ने किया है, जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर था, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं, रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर, तो देखो उसका नाम ही है रेशियो एनालिसिस है ना, कि रेशियो वगैरह कैलकुलेट करना, कॉमन साइज स्टेटमेंट वगैरह हो गया, अभी हम कैसा कर रहे हैं, लास्ट ईयर कैसा कर रहे हैं, कंपरेटिव स्टेटमेंट राइट, तो वो सारा काम जो हो गया वो एनालिसिस का हो गया, और इंटरप्रिटेशन मतलब हो गया कि उसको रीड करना। तो देखो वापस से अपने रिलायंस के वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर रिलेशन, इसके बाद फिर डाउनलोड्स, यहाँ पे फिनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फिनेंशियल कंट्रोलिंग को फिनेंशियल रिपोर्टिंग भी बोलते हैं। पर यहाँ पे देखो ऑनलाइन एनुअल रिपोर्ट 1920, तो ये जो काम था ना, मतलब रिलायंस ने ये रिपोर्ट बना के यहाँ पे डाल दिया, इस वाले काम को अपने बोलते हैं द सिक्स्थ प्रोसेस विच इज कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे देखो लास्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लास्ट प्रोसेस इज कम्युनिकेटिंग, कि अपना सब कुछ बन के रेडी हो गया तो अपने को लोगों को शेयर करना है। तो ये वाला जो काम है कि इसने अपने वेबसाइट में डाल दिया, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग है ना। तो यहाँ पे एक दो चीज़ बस, जैसे अपने यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो तुमको देख रहे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे अपने देख पा रहे हैं ना कि अपना जो रिलायंस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट था, वो इन द ईयर 17-18 इट वाज 34 करोड़, 18-19 में 39 करोड़, और 19-20 में 44 करोड़ राइट। तो अपने क्या ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये सारा पार्ट क्या होता है ना, ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आ जाता है कि भाई अपना अभी बन के तैयार हो गया, अब अपने को उसको देखना है कि वो सही है क्या। तो अपने ये वाला जो स्टेप है विच इज समराइजिंग, दिस कंसिस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात करते हैं है ना, जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करते हैं, तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी एक्चुअली मीन अपना पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। देखो यहाँ पे आई डोंट नो तुम लोग देख पा रहे हो, देख रहे हैं क्या ये, देखो ये हो गया अपना बैलेंस शीट, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, ये हो गया कैश फ्लो, ये हो गया नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन वाला इशू का ऐसा होता है कि पार्टनरशिप के अंदर भी है ना, हो सकता है कि देयर इज वन पार्टनर जो कि रिस्पॉन्सिबल हो अकाउंटिंग का, तो वो बाकी पार्टनर के साथ शेयर कर देगा राइट। और जैसे अगर अपने LLP के केस में बात करें, तो अपने को MCA के साथ फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न एंड अकाउंट्स, तो वहाँ पर शेयरिंग होता है बट लिमिटेड होता है ना, लेकिन कंपनी के केस में थोड़ा सा वाइड लेवल पर शेयरिंग होता है। सो मैं जो बोल रहा था इसको ध्यान से देखो, कि कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका मेन पार्ट क्या होता है, द फर्स्ट पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट,
ये देखो ये ऑडिटर का रिपोर्ट है, ठीक है, मतलब जो ऑडिट किया है ना उसका ये रिपोर्ट है। तो इसमें ऑडिटर अंडरटेक करते हैं कि भाई कोई झोल झाल नहीं है, सब कुछ सही है भाई। ये जो ऑडिटर रिपोर्ट होते हैं, जैसे मैं एक पैरा इसका रीड कर रहा हूँ कि वी हैव ऑडिटेड द अकंपनिंग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विच इंक्लूड्स जॉइंट ऑपरेशन विच कॉम्प्रोमाइज द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2020। द स्टेटमेंट ऑफ पीएल इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम द कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी फॉर द ईयर देन एंडेड एंड नोट्स टू द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। ऑडिटर ने अपना बचा के चलता है, तो ऑडिटर बोलते हैं मेरे को जो बताया उसके हिसाब से ठीक है। देखो In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the aforesaid standalone financial statement give the information required by Companies Act 13 as amended the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India. देख रहे हो? ये वाला इतना सा statement देखो, इसमें auditor बोल रहा है कि हमने ऑडिट किया है और हमें जैसा बताया गया, हमें जैसा समझाया गया उसके हिसाब से रिलायंस का जो पीएल बैलेंस शीट है वो सही है, फाइन। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो कंडीशन है कि हमें जैसे बताया गया, हमें जैसे समझाया गया, तो बाद में कोई केस होगा तो ऑडिटर हमेशा बोल सकता है कि मेरे को तो यही बताया था। तो ऑडिटर्स क्या करते हैं, देखो ऑडिटर्स है, इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, बात को समझना है ना, ऑडिटर्स है इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है। तो अपने वही बोलते हैं कि भाई जो ऑडिटर का जो काम होता है वो क्या होता है कि चीज़ों पे नज़र रखना। ऑडिटर का काम ये नहीं होता, राइट, ऑडिटर का काम ये नहीं होता कि अपने को सामने वाले को चोरी समझना है या सामने वाले का बुक्स का कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यस, क्रॉस चेक मतलब होता है ना, सैंपल चेक्स जो होते हैं कि जो ऑडिटर होता है ना वो भी क्या होता है ना, उसके पास ये पॉसिबल नहीं होता कि वो हर एक चीज़ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करें, राइट, क्योंकि वो सैंपल चेक ही कर सकते हैं, सब कुछ चेक करना इट्स नॉट पॉसिबल विदिन द गिवन टाइम फ्रेम। तो इसीलिए वो हमेशा ये बोल देते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमने चेक की है, जो जो एक्सप्लेनेशन मिला उसके हिसाब से ये सही था, राइट। तो अभी ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका देखो क्या क्या पार्ट होता है, एक हो गया ऑडिटर रिपोर्ट, एक हो गया बैलेंस शीट, ठीक है, दिस यू कैन सी ये बैलेंस शीट है। देन फिर इसके बाद वी हैव गॉट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको अपने नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। इसके बाद फिर है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, ये शायद हो सकता है तुम लोग पहली बार सुना हो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है कि अपना जो इक्विटी है उसके अंदर क्या चेंजेज आए, मतलब अपना जो खुद का पैसा है, इक्विटी मतलब मेरा खुद का पैसा, तो 1 अप्रैल को मेरा पैसा कितना था और 31 मार्च को मेरा पैसा कितना है, उसमें चेंजेज क्या आया, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, जिसको सोसी बोलते हैं इन शॉर्ट। इसके बाद वी हैव गॉट दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, मतलब कि अगेन मेरा जो मेरे पास जितना हाथ में कैश था, इक्विटी मतलब कि जरूरी नहीं है कि उतना पैसा हाथ में हो, बट आई एम एंटाइटल टू डेट मनी। कैश फ्लो का मतलब जितना पैसा एक्चुअली में अपने पास है या फिर बैंक में है उसका मूवमेंट को अपने देखते हैं कि कितना पैसा था, कितना आया, कितना गया और अभी कितना है। और फाइनली वी हैव गॉट दिस नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, इसमें तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अपने अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं, अकाउंटिंग करने का बेसिस क्या है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर अपने बात करें क्या बेसिस है, तो जैसे डिप्रिसिएशन करने का स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है, WDB होता है, तो स्ट्रेट लाइन या WDB में से अपने कौन सा लगा रहे हैं, है ना, तो अपने क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करें, प्लस अपना बैलेंस शीट PL में जैसे अपने वर्किंग नोट बनाते हैं ना सम्स में, कि अगर मानो कि अपना जो PL बैलेंस शीट में कोई भी कैलकुलेशन है तो उसका अपने डिटेल वर्किंग देते हैं,
तो वैसे ही नोट टू अकाउंट्स कि अपने को क्या क्या चीज़ का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना है डेट कैन बी रिलेटेड टू बैलेंस शीट पीएल या फिर वो अलग भी हो सकते हैं। तो ये जो नोट टू अकाउंट्स है इसमें क्या देना है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है। तो हर एक स्टैंडर्ड का लास्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं जहाँ पे ये बताया हुआ रहता है कि अपने जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा उसमें अपने को ये बातें डिस्क्लोज करनी है। तो कभी भी अपने बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, है ना, दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो हो गया ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन बैलेंस शीट, देन पीएल, देन सोसी, देन कैश फ्लो, देन नोट्स। ठीक है, तो इसको लिख लो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अपने को पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने किसको बोलते हैं। स्टैंड अलोन मतलब कि जैसे मानो कि मेरा एक ही कंपनी है तो वो स्टैंड अलोन हो गया, बट अगर मेरा बहुत सारा कंपनी है ना, मतलब जैसे रिलायंस के अंदर बहुत सारे कंपनी हैं, तो सारे कंपनी का जो मिला हुआ बैलेंस शीट पीएल होता है वो होता है कंसोलिडेटेड। और सिर्फ किसी एक कंपनी का अपने बात करें, जैसे मानो कि एक बाप है ना, उसके चार बेटे हैं और चारों बेटे कमा रहे हैं, राइट। तो पहला वाला बेटा क्या कमाया वो हो गया स्टैंड अलोन, और चारों बेटा मिल के क्या कमा रहा है उसका जो टोटल है वो हो गया कंसोलिडेटेड। फाइन, सो अभी लिखो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइन, इसके अंदर क्या क्या आता है। द फर्स्ट वन, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट। सेकेंड वन, बैलेंस शीट, फिर अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ वन है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। इसके बाद वी हैव गॉट कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड फाइनली अपने पास होता है नोट्स टू अकाउंट्स, ना, दीज आर दी थिंग्स। तो अगर अपने को इन सारा चीज पे कमांड है, राइट, तो इन सारा चीज पे कमांड कैसे आएगा? इन सारा चीज पे कमांड तभी आएगा व्हेन वी आर अवेयर ऑफ ऑल दी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट, जब अपने को सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है एंड अपने बहुत सारे बैलेंस शीट को रीड कर चुका है। सो अगर तुमको इन सारे चीज पे कमांड है देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर। अगर अपने को फाइनेंशियल कंट्रोलर बनना है तो अपने को इन सारा चीज पे कमांड चाहिए, राइट। तो कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करते हैं तो एक्चुअली अपने इन